हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग टिप्स बाय निशु में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सूखी बिरयानी यानी कम मसाले वाली बिरयानी। इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, उसको अच्छे से धोकर साफ करके पानी से छान लिया है। 1 kg हमने चावल लिया है, उसे भी धोकर पानी से छान लिया है। 2 tablespoons लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 teaspoon हल्दी, 2 teaspoon मिर्ची पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 2 spoon बिरयानी मसाला, 100 ग्राम दही, नमक स्वाद के अनुसार, 5 medium size हमने आलू लिया है, उसे काट कर धोकर छान लिया है, फूड कलर। अब हम लोग एक कुकर लेंगे, उसमें 1/2 cup पानी डाल देंगे और इसमें जो भी मसाला डालेंगे 1/4 teaspoon डालेंगे। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, दही और हल्का सा फूड कलर, 1 teaspoon राइस ब्रान ऑयल डालकर आलू डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी जब लग जाएगा तो 2 मिनट धीमा आंच पर से छोड़ देंगे। एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें राइस ब्रान ऑयल, ज़ीरा, तेज़पत्ता, चक्री फूल, लौंग, इलायची सब डालकर चिकन डालकर फ्राई करेंगे, तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा आलू हो चुका है, इसमें पानी है, इसको धीमी आंच पर पानी सूखने तक पकाएंगे ढक्कन हटाकर। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। नमक डालकर मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर, हिला हिला कर पानी सूखने तक पकाएंगे। लाल मिर्ची पाउडर, आलू को देखते रहेंगे बीच बीच में, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बिरयानी मसाला डाल देंगे और डालकर अच्छे से इसको भूनेंगे। दही भी डाल देंगे, डालकर इसको अच्छे से भूनेंगे। 1 aluminum की देगची लिया है, एल्युमिनियम की देगची में तेल डाल देंगे, तेज़पत्ता, चक्री फूल, ज़ीरा, लौंग। एल्युमिनियम की देगची हमने इसलिए लिया है कि इसमें नीचे से लगता नहीं है और चावल ज़्यादा चलाना होता नहीं है, बस एक बार चावल चलाकर उसको छोड़ देंगे। आधी देगची पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और ढक्कन लगाकर उसको पानी बॉयल होने तक छोड़ देंगे।
ये हमारा चिकन भुन चुका है। इसमें गरम मसाला डालकर 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से चलाकर धीमा आंच पर ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। और चावल जो है वो उसको बार बार चलाना नहीं है, चावल डालने के बाद एक बार चलाना है और उसको पकाना है। यह हमारा पानी बॉयल हो चुका है, इसमें अब चावल डाल देंगे। और इसको एक बार चलाकर ढककर बॉयल आने तक छोड़ देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसको धीमा आंच कर देंगे और चलाएंगे नहीं चावल को फिर दोबारा। एक कन्नी जब हो जाएगा तो उसको छान लेंगे। ये हमारा चिकन भुन चुका है, अब इसमें आलू डालकर 2 से 3 मिनट तक धीमा आंच पर ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। चावल हमारा तैयार हो चुका है, उसे हमने छान लिया था। अब इसको बिरयानी का तह लगाएंगे। पहले चावल डाल देंगे, उसके बाद उसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे, फूड कलर दूध में घोलकर डाल देंगे। चिकन पीस और सिर्फ आलू लेना है, मसाला और तेल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये सूखी बिरयानी है, कम मसाले वाली बिरयानी है। फिर से चावल डालेंगे, चावल के ऊपर बिरयानी मसाला छिड़क देंगे। इसी तरह तह बायता बिरयानी तह लगा देंगे। यह हमारा तह लग चुका है, उस पे लास्ट में बिरयानी मसाला डाल देंगे, फूड कलर डाल देंगे और इसमें एक नींबू का रस चारों तरफ अच्छे से छिड़क देंगे और इसको ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक धीमा आंच पर रखेंगे। दो से तीन मिनट के बाद अब गैस पर तवा चढ़ा देंगे, तवा के ऊपर फिर दच्ची डाल देंगे बिरयानी का और 2 से 5 मिनट तक इसको धीमे आंच पर छोड़ देंगे। अब हमारा बिरयानी, सूखी बिरयानी तैयार है, कम मसाले वाली बिरयानी। बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, रेस्टोरेंट स्टाइल।